जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में सरकार बनते ही विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने की बात कही गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि भाजपा सरकार आते ही जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू होंगी। वहीं जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% कोटा दिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यहां डेमोक्रेसी तीन परिवारों में ही सीमित होकर रह गई है। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया और लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को तकात देने वाले ये 10 साल रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अमित शाह आज जम्मू के पलोरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और फिर वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे बीजेपी नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर भाजपा